शांति। आज की तारीख है 9/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त बाप दादा की यह मुरली है। और आज की इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा बोले, आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य के अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य, फिर द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजाएं बनते हैं। फिर सारे विश्व पर एक राज्य, वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो तीन प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, अब मीठे मीठे बाप दादा याद प्यार देते हुए बोले, सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक, ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को देश विदेश के सर्व सन्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का वरदान। वरदान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचल मर्ज हो जाएगी और आप सदा अचल और अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं, उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। इसलिए संकल्प और कर्म
दोनों वहां समान होते हैं। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। अच्छा, ओम शांति।